जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पेंशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, आजकल पेंशन का जो पेंशन ड्रिल है वो हर यूनिट से ही होती है और डॉक्यूमेंट तो यूनिट से पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल ने दो टाइप का पेंशन होता है, या तो परमेचर पेंशन जा रहा है या कलर पेंशन जा रहा है। दोनों सूरत में वो पहले अपनी एप्लीकेशन देता है, उसका वार्निंग डेट आता है और डेट के अकॉर्डिंग 6 महीने या 7 महीने पहले से अपने पेंशन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर देता है। दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट, मुझे बहुत दिनों से इस तरह के मैसेज आ रहे, तो मैंने समझा कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या इंश्योर करना चाहिए यूनिट के रहते हुए, अदरवाइज उसके डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस होते हैं और वो डॉक्यूमेंट कई जगह जाते हैं, उसमें कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि डॉक्यूमेंट फिर वापस आते हैं या फिर वो करेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको आगे सफर करना पड़ता है। दोस्तों पेंशन जाने का मतलब ये होता है कि आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी कमाई करी, जो भी आपका पैसा है वो सही तरीके से आपके सही अकाउंट में, यानी आपके अकाउंट में पहुंचे, और जो भी आपको पेंशन बुक है, जो भी आपको फैमिलीज के आगे जाकर के वेलफेयर मिलने वाले हैं, आपके बच्चों को मिलने वाले, आपको मिलने वाले, ये तभी संभव होगा जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया सही रूप से की गई है। और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि 6 महीने पहले आपके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में पहुंचने चाहिए और इंडिविजुअल उसकी तैयारी यूनिट में 8 या 9 महीने पहले से कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके पास मेन क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। यार मेरे पास एक डॉक्यूमेंट का पूरा सेट है इस फाइल में। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडिंग्स में कि क्या क्या मेन चीज है, उनके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं और जिसके लिए आप पूरी तरह इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिखाया है पेंशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके ऊपर होता है डिस्चार्ज रोल IAF/1948 इसका नंबर है। इस तरीके के जब डॉक्यूमेंट जाते हैं तो 20 से 25 टाइप के डॉक्यूमेंट आपके प्रोड्यूस होते हैं, और मेन डॉक्यूमेंट में ये जो डॉक्यूमेंट है जिनमें आपने हर चीज को इंश्योर करना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज रोल, ये मेन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या क्या आता है मैं फाइल में देख के आपको बताऊंगा। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रोल, ये दोनों बहुत, इसमें पूरा आपका फैमिली डिटेल, फैमिली का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल, सारी चीज इन दोनों में, डिस्चार्ज रोल और डिस्क्रिप्टिव रोल में होती है। और तीसरी चीज होती है बैंक डिटेल, यानी फाइनेंस, जो भी आपका फाइनेंस आनवाना है, आपका सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, और अकाउंट कहां पर है, उसका IFSC कोड क्या है, उसके VCIR कोड क्या है, जो भी कोड है उसमें सारी डिटेल होती है। NAFT फॉर्म है जो बैंक से साइन करा के आपको ले जाना पड़ता है। नॉमिनेशन ऑफ AGI, यानी AGI आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है उसका भी नॉमिनेशन भी उसमें से जाता है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी आप कम्यूटेशन चाह रहे हो 50%, तो उसके लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, CO साहब साइन करते हैं, BC साहब साइन करते हैं, इस तरह ये डॉक्यूमेंट। AFP फंड, आपका AP फंड किस तरह क्लोज होगा उसके लिए एक आपका नॉमिनेशन जाता है। डेथ कम रिटायरमेंट ऑफ ग्रेजुटी, ये तो आपका किसी ग्रेजुटी आपको मिलती है, वो आगे कुछ ना कुछ आपका कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसके लिए डिक्लेरेशन जाता है। फैमिली डिटेल, दोस्तों फैमिली डिटेल यानी आप, आपकी वाइफ, आपके डिपेंडेंट्स, आपके बच्चे, उनकी पर्टिकुलर डिटेल, ये सारी जाती है। इनकेसमेंट ऑफ लीव, यानी जो लीव का पैसा मिलना है उसका एक नॉमिनेशन जाता है कि आपने कि मुझे इनकेसमेंट लीव इस तरह चाहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें जाते हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स हैं आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, इस तरह की ये जो पूरा डाटा है, इस तरीके से एक आपकी फाइल तैयार होती है और वो डॉक्यूमेंट के नाम से आगे प्रोसेस होती है। दोस्तों अभी इसमें एक एक में क्या होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे को जब पेंशन जाते हैं तो कम से कम 4 जगह से पैसा मिलता है। सपोज करिए आप, आपको सीधा AGI से मिलता है, जो आपका AGI कटता है, 5 से 6 लाख रुपए का अमाउंट होता है वो मिलता है। एक पैसा आपका खुद का लीव इनकेस है, वो आपको PUR से मिलता है, और आपकी जो फाइनल FS एडजस्ट होता है वो PUR से मिलता है, यानी 3 अमाउंट यहां से मिल गए, और चौथा आपकी पेंशन जो आपको PCD अलावा से मिलती है, ग्रेचुटी PCD अलावा से मिलती है, कम्यूटेशन PCD अलावा से मिलता है, यानी इतना सारी चीज आपकी पैसा मिलता है। तो इसमें जरूरी है कि आपकी बैंक डिटेल और आपके नॉमिनी हैं उनकी डिटेल क्लियर करेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों बात करता हूं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या जनरल चीज होती है उसके बारे में मोटा मोटा बात करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा था डिस्चार्ज रोल के ऊपर, जैसे उसमें आपका आर्मी नंबर है, ओल्ड और नया आर्मी नंबर है, नेम, रैंक, क्वालिफिकेशन ऑफ कितनी क्वालिफाइंग सर्विस किया है, आपका कौन सा ग्रुप है, आप किस रेजिमेंट और कोर्स है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ लास्ट प्रमोशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने ये खुद से इंश्योर करना है, यदि आपके कभी प्रिंट आउट में गड़बड़ हो गई तो इसके लिए आप जिम्मेदार होगे। पर्सनल अपीयरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आप आई कार्ड पर होते हैं, आपके जो बॉडी के ऊपर तिल वगैरह के मार्क्स हैं, उनको आपने करेक्ट देना है, और इसी के ऊपर आपका सर्टिफिकेट, आपका एग्जाम्पलरी, आउटस्टैंडिंग, जिस तरह आपने देखा होगा, ये मेरा खुद का फॉर्मेट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं।
इसमें फुल पेंशन और ग्रेजुटी रिकमेंडेशन, ईमेल, आपका आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर्स, ये जरूरी होते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, दोस्तों एक बात मैं आपके बात कह रहा हूं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना होम एड्रेस चेंज कैसे कराते हो, उसकी क्या प्रक्रिया है। ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि हर एक बंदा गाँव से भर्ती होता है, बाद में शहर में एडजस्ट, सॉरी शहर में अपना घर ले लेता है, और उसकी कुछ चीजें हैं कि होम एड्रेस कैसे चेंज करना है, उसके बारे में आपसे मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। इसके बारे में बात करने वाला हूं, आपका पूरा बैंक डिटेल आ जाता है इसमें। बैंक डिटेल में चाहे आईएफएससी कोड हो, जॉइंट अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट हो, और आपके थंब इंप्रेस, जो आपके अंगूठे के निशान, आपकी पूरी फैमिली डिटेल, वाइफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन, यानी ये आपने 50% कम्यूटेशन लेना है। यहां आपका मैंने दिया आई हेयर बाय डिजायर टू कम्यूट 50% ऑफ माय सर्विस पेंशन, ये मैंने साइन किया है, इसके नीचे बैटरी कमांड ने साइन किया, इसके नीचे सीओ साइन ने किया, और फिर रिकॉर्ड ऑफिस को रिकमेंड करके पीसीडी भेजता है, तभी आपका कम्यूटेशन मिलता है। कई लोगों का कम्यूटेशन फंस जाता है दोस्तों। ये आपका डिस्चार्ज रोल की है, इसके बाद इसमें तमाम इस तरह चीजें होती हैं, और खुद की डिटेल्स होती है, करेक्ट डिटेल होती है, मतलब फाइनल एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है डिस्चार्ज रोल, इसलिए नाम। अभी बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रोल्स की दोस्तों, दूसरे बात करना डिस्क्रिप्टिव रोल की। पेंशन डिवर्सिंग ऑफिस, इसमें पूरा सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड तक रहता है, बैंक के संबंधित है, फिर आपका जो नेम ऑफ फैमिली पेंशनर्स, आपकी जो फैमिली पेंशन वाइफ के नाम में आती है, उसके थंब इंप्रेशन, उसके पूरे साइन, ज्वाइंट दोनों की फोटोग्राफ्स, इस तरह टू, ये रिटायरमेंट से पहले सारी चीज जाती है। ये एजीआई के लिए जाती है, एजीआई क्लेम मैच्योर्ड एक्सटेंड इंश्योरेंस बेनिफिट, यानी एजीआई ऑफिस के लिए जाती है। आपका जितना डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका होम एड्रेस क्या है, यानी कुछ चीज होम एड्रेस पे भेजनी है, आपका बैंक अकाउंट में एजीआई किस में जाएगा, और आपकी नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, उनका सारा डिटेल इसके अंदर जाता है। फील्ड कंडक्ट शीट आपकी इसके साथ एक अटैच होती है। दूसरा आपका, मैं बात कर रहा हूं बैंक डिटेल की, तो आप बैंक से साइन कराते हैं, इसमें एनईएफटी फॉर्म आपने देखा होगा, उसमें पूरा बैंक का एक एक चीज डिटेल होता है, बैंक मैनेजर के साइन होते हैं, बैंक के नंबर होते हैं, चाहे वो आपका जब पेंशन जाती है, आपने देखा होगा बैंक, मैं ग्वालियर का हूं, तो मेरी भोपाल जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बैंक में जाती है, वहां से आपकी ब्रांचेस में जाती है, ठीक है। और बाकी बहुत तमाम सर्टिफिकेट हैं, कई तरह के सर्टिफिकेट हैं, इसलिए मैं पूरी फाइल आपको देखने की जरूरत नहीं। मैं ये आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके बच्चों की डिटेल क्लियर होनी चाहिए, यानी बच्चों के नाम क्लियर होने चाहिए, बच्चों का पैन कार्ड नंबर, उसका पार्ट ऑर्डर होना चाहिए, आधार कार्ड का पार्ट ऑर्डर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, वाइफ की हो चाहे मदर की हो, इसी से आपके ईसीएचएस कार्ड बनना या और कोई भी फॉर्मेलिटी होनी, इनके लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है कि आपका वाइफ है या बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका सही रेजिडेंशियल प्रूफ है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज, और आपकी अपनी सर्विस की डिटेल है, ये आप आराम से चेक करना है। पार्ट ऑर्डर होना भी बहुत जरूरी है, पार्ट ऑर्डर नहीं होता है तो एक और नई ऑब्जर्वेशन के साथ हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि अभी आप सभी समझ सकते हो कि यूनिट में कितना आगे पीछे होता है, और किसी के एक डॉक्यूमेंट होते हैं, क्लर्क के पास समय है, शाम को आप जाते हैं, वो कट एंड पेस्ट वाला काम है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट निकल के गलत आ जाएंगे, साइन होके चले जाएंगे, फिर वो जब धीरे धीरे जब वो डॉक्यूमेंट एक महीने पहले कहां भेजेगा, वो कोई चेक नहीं करता रिकॉर्ड में, सीधा पीओआर में जाएगा, वहां से वो ऑब्जर्वेशन लगा के भेजेंगे, तब आपका जाने का टाइम होगा, इधर आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आप डिपोरेजमेंट में होगे नहीं, और यूनिट जिस दिन आपको ऐसे वैसे उस दिन मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा के घर भेज देगी, आपकी बहुत सारी चीजें फंस जाएगी, आपकी सब चीज, आपका फाइनेंस भी डिटेल डिले हो सकता है, चाहे एजीआई हो, चाहे कम्यूटेशन हो, चाहे ग्रेजुएटी हो, चाहे पेंशन तो होगी होगी। इस तरीके से ये आपका हक बनता है, सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, टेंथ हैं, ट्वेल्थ हैं, अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें और थोड़ा इंश्योर करें। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल पर आप सुन रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।